आप इस वीडियो में जानेंगे बिना दर्द के पैर या हाथ से कांटा निकालने के घरेलू उपायों के बारे में। कांटा होता तो बहुत छोटा है, लेकिन चुभने पर बहुत तेज दर्द होता है। जिस जगह पर यह कांटा चुभता है उस जगह पर अक्सर दर्द व चुभन होती रहती है। अक्सर बागवानी करते समय या कोई और काम करते समय हमें कभी हाथ या पैर में कांटा चुभ जाता है, इसलिए बागवानी का काम करते समय या नंगे पैर टहलते समय ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा समय तक कांटे के ना निकलने से इन्फेक्शन हो सकता है। कांटे को निकालने के लिए आप कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं, जिसे आप कांटे को बिना किसी दर्द के बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसी और नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। चलिए अब बात करते हैं विस्तार से। कांटे को निकालने के घरेलू उपाय इस प्रकार से हैं। कांटा निकालने के लिए केले के छिलके का उपाय। कांटा निकालने के लिए केले के छिलके को उस जगह पर हल्के हाथों से मलें। उसके बाद केले के छिलके को चुभने वाले स्थान पर रखकर पट्टी बांधें। इससे कांटा कुछ देर के बाद अपने आप बाहर आ जाएगा। कांटा चुभने पर अंडे का उपाय। अक्सर छोटे कांटे को निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि उसको पकड़ने की जगह नहीं होती है। छोटे कांटे को निकालने के लिए अंडा बहुत ही फायदेमंद होता है। सबसे पहले अंडे के छिलके को अंदर से प्रभावित जगह पर लगाएं। उसके बाद लेप की तरह लगाने के बाद 2 या 3 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद आप देखेंगे कि कांटा अपने आप बाहर निकला हुआ मिलेगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप हाथ और पैर की अंगूठे की सूजन व मोच को दूर करने के उपायों के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो के ऊपर आई वॉल के बटन तथा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर देख सकते हैं। कांटा निकालने के लिए बेकिंग सोडे का उपाय। बेकिंग सोडा में पानी मिलाकर पेस्ट की तरह बनाएं। अब प्रभावित जगह पर रखकर पट्टी से बांधें और 7 या 8 घंटे के बाद पट्टी खोलने पर कांटा साफ दिखाई देने लगेगा। हींग का उपाय। शरीर के किसी हिस्से में अगर कांटा चुभ जाए तो थोड़े से पानी में 2 चुटकी हींग डालकर एक घोल बना लें और फिर घोल में रुई भिगोकर कांटे लगे स्थान पर 1/2 घंटा बांध लें। इस तरह का उपचार करने से कांटा खुद ही बाहर निकल जाता है और दर्द भी कम होता है। सेंधा नमक से भी कांटा निकालने में आसानी होती है। अगर कांटा दिख नहीं रहा है तो सेंधा नमक को पानी में मिलाकर उस जगह को धोएं जहां पर कांटा चुभा है। इससे कांटा नजर आने लगेगा और फिर ट्वीज़र की मदद से कांटे को बाहर निकाल लें। अगर आपको दर्द हो रहा है तो सेंधा नमक की पट्टी करते रहें और कांटा खुद ही निकल जाएगा। गुड़ और अजवाइन का उपाय। अगर हाथ या पैर में कांटा चुभ जाता है तो उसे निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और दर्द भी बहुत होता है, लेकिन आप गुड़ और अजवाइन के इस्तेमाल से बिना किसी मेहनत और पीड़ा के कांटा निकाल सकते हैं। इसके लिए आप थोड़े से गुड़ में अजवाइन को मिलाकर एक घोल तैयार कर लें और उसे कपड़े में अच्छी तरह भिगोकर कांटे लगे स्थान पर बांध लें। इससे कांटा स्वयं ही निकल जाता है। आंकड़े या मदार का दूध। कांटे की चुभी जगह को थोड़ा सा सुई से कुरेदकर उसमें आंकड़े यानी कि मदार की दूध की 3 या 4 बूंदें डालकर उस जगह को पट्टी से बांध लें। ऐसा करने से बिना किसी मेहनत और दर्द के कांटा स्वयं ही बाहर आ जाएगा। तिल के तेल और सेंधे नमक का उपाय। तिल के तेल में सेंधा नमक मिला लें और इस मिश्रण को हल्का गर्म कर लें। फिर रुई में इसे अच्छी तरह भिगोकर कांटे की चुभे वाले स्थान पर रखें और पट्टी से बांध लें। 1 घंटे के बाद पट्टी को खोलें और बिना दर्द के और बड़े आराम से कांटा निकल जाएगा। कलिहारी या करियारी का उपाय। जब लोहे की कील, कांटा, पिन या कुछ भी ऐसी वस्तु चुभ गई हो तो चुभी हुई जगह पर कलिहारी को अच्छे से पीसकर कील या कांटा चुभे स्थान पर लगाने से कांटा, कील
आदि स्वयं ही अपने आप बाहर आ जाते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप कांटा निकालने के लिए घरेलू नुस्खों के साथ साथ क्रीम, जेल या पेस्ट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आप इस जानकारी का लाभ उठाएंगे और साथ ही इसे अपने जरूरतमंद दोस्तों में शेयर करेंगे। यदि आप इससे संबंधित और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा ताकि इससे संबंधित लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाते रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकॉन बटन को भी प्रेस कर लें। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।